दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आपने शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप दोबारा एक बार गौर से देखें। सर, एक सवाल था, आप लोगों के किसी के नेम बैजेस क्यों नहीं है? गिर गए होंगे, सबके गिर गए, सारे पुलिस वालों के नेम बैज गिर गए। थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? नेम बैज के बिना ड्यूटी कर सकते हैं आप लोग? दोस्तों, ये वीडियो है दिल्ली का, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। और वहां पर इस आदमी से जब किसी ने पूछा, इस पुलिस वाले ने जब किसी ने पूछा कि आपका बैच कहाँ है, तो इसने बोला कि बैच गिर गया। और इसके साथ और भी पुलिस वाले थे जो बिना बैच के थे, और इन लोगों ने लाठियां चार्ज की थी लोगों पर। आइए दोस्तों, अब आपको हम इसकी सच्चाई बताते हैं। हमने इसके बारे में रिसर्च की तो हमें रिसर्च से पता चला कि ये जो है व्यक्ति, ये आरएसएस का आदमी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आरएसएस का आदमी है। और इसके साथ ही हमें इसकी फेसबुक आईडी मिली है, जो है अशोक डोगरा बूंदी के नाम से इसकी फेसबुक आईडी है, जो कि आप भी सर्च कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से। तो आप उसमें देखेंगे, ओपन करेंगे अगर आप इसकी आईडी, तो उसमें आप देखेंगे कि इसकी कोई सी भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें इसने वर्दी पहन रखी हो पुलिस की, या पुलिस से इसका कोई ऐसा काम दिख रहा हो कि पुलिस वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसमें दिखा कि बीजेपी का विधायक है बूंदी का, और इसकी सारी तस्वीरें उसके बीजेपी विधायक वाली ही हैं। और इस बात से आप पूरा यकीन कर सकते हैं कि ये पुलिस वाला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी जो मीडिया है, हमारे देश की जो मीडिया है, वो इन चीजों को नहीं दिखाती है, और ना ही हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सरकार है, वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है और ऐसे लोगों को सराहना देते हैं हमारे सरकार के लोग, बीजेपी के लोग। तो इससे पहले भी हमें बहुत सारे आरएसएस वाले आदमियों का पता चला था जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, और उन्होंने दंगे फैलाए थे, उन्होंने दंगे फैलाने की कोशिशें की थी, उन्होंने लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था, ना औरतों को देखा था, ना बच्चों को देखा था, उन्होंने सब पे लाठियां चार्ज की थी। और फिर हमारी जो मीडिया है वो दिखाती है कि लोग गुस्से में आकर ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टार्ट किया था ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं, हमने आपको सच्चाई में दिखा दिया है, लेकिन मीडिया इस चीज को नहीं दिखाती है। और शायद ये जो हमने आपको फेसबुक आईडी दिखाई है, ये भी कुछ देर बाद डीएक्टिवेट हो जाएगी, जैसे पहले वाली आईडियां डीएक्टिवेट हो गई थी, जैसे हमने और पहले वाले देखे थे आरएसएस के जो आदमी थे, जिनकी हमें फेसबुक आईडी मिली थी या उनके बारे में रिसर्च की थी, उन्होंने अपना जो डाटा ही खत्म कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिए थे अपने अकाउंट। तो हो सकता है कि कुछ वक्त बाद इसकी भी आईडी डीएक्टिवेट हो जाए। आखिर में दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर जगह इस वीडियो को फैला दें, ताकि इस इंसान की असलियत सबको सामने आ सके, और ये जो इंसान है, बीजेपी का चेहरा सबके सामने आ सके कि बीजेपी वाले किस तरह से नकली वर्दी पहन के पुलिस वालों की कैसे लोगों पर लाठी चार्ज करते हैं और उनकी असलियत दिखाएं।